नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी ब्रेकिंग। फरुखाबाद लकूला बस्ती में सड़क के किनारे दवाइयों का जखीरा पड़ा मिलने से मौके पर भीड़ लग गई। पड़ी मिली दवाइयां एक्सपायर बताई जा रही हैं, जिसके चलते चर्चा का विषय बना हुआ है। फरुखाबाद से मोहम्मद इसरार की रिपोर्ट। ताजा खबरों के लिए सब्सक्राइब करें यूपी ब्रेकिंग। कहाँ रहते हैं? वार्ड नंबर 20, वीर अब्दुल हमीद। क्या लोहिया दवाई लेने गए हैं कभी? हमारे क्षेत्र से काफी लोग लोहिया जाते हैं, लेकिन वहाँ कोई जो रिस्पांस नहीं मिलता। दवाइयाँ उन्हें बाहर की लिख दी जाती हैं, या उनसे कहा जाता है कि निजी क्लिनिक में आके मिलिए। क्या डॉक्टर वहाँ मौजूद मिलते हैं? डॉक्टर एक तो वहाँ 12 बजे आते हैं और 1:30 बजे डॉक्टर चले जाते हैं। तो दवाइयाँ आपको वहाँ से नहीं मिल पाती है? दवाइयाँ वहाँ मिलती ही नहीं है। जो दवाई वो लिखते हैं वो दवाई मिलेगी बाहर, और जो है वो वहाँ मिलती नहीं है। अभी एक मामला सामने आया है, कुछ दवाइयाँ लकूला में फेंकी गई हैं। हाँ, वो जो है जो दवाई ये सेल कर लेते हैं तो सेल हो जाती है, जो जो हजम नहीं हो पाती है वो जो है फेंकना पड़ती है। क्या नाम है आपका? फारूक हसीन। डॉक्टर साहब, एक्सपायरी दवाई जो होती है वो जलाने से क्या दिक्कत होती है? जलाने से उसका धुआं जो है विषाक्त होता है, उससे आदमी को सांस लेने में तकलीफ हो जाती है। उससे बेहतर होता है कि उसको नदी के बेसिन में आप गड्ढा खुदवाइए, दबवा दीजिए, पानी भरेगा, दवाई खत्म हो जाएगी, किसी को नुकसान भी नहीं पहुँचेगा, कोई पाएगा भी नहीं। एक्सपायरी सिरप और दवाई खाने से क्या दिक्कत होगी? खाने से ये उसके ऊपर निर्भर करता है कि इसमें कौन सी दवा थी। जैसे कुछ दिमाग से संबंधित दवाएं हैं वो नुकसान कर सकती हैं, जो साधारण है जैसे पैरासीटामॉल वगैरह की, उनकी पोटेंसी कम हो जाती है। एक्सपायर होने का मतलब ये नहीं कि दवाई जहर हो गई। एक्सपायर होने का मतलब है जिस मात्रा में उसको काम करना चाहिए था, जो मात्रा दवा में होनी चाहिए थी वो नहीं। नहीं, जैसे इंजेक्शन है जो प्राइवेट कंपनियों ने फेंक दिए हैं, अगर कोई यूज कर लेता उससे क्या साइड इफेक्ट? हाँ, उसके साइड इफेक्ट हो सकते हैं, वो इंजेक्शन से इस्तेमाल नहीं होने चाहिए। इंजेक्शन से क्या साइड इफेक्ट अगर इस्तेमाल हो जाते हैं तो क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं? साइड इफेक्ट तमाम है, खुजली से लेकर के स्किन प्रॉब्लम से लेकर के सांस की प्रॉब्लम तक या दिल की प्रॉब्लम तक। मान लीजिए कोई दिल से संबंधित ड्रग है तो वो आपकी हार्ट बीट और बाकी चीज़ें बढ़ा देगी, या किडनी पे इफेक्ट कर सकती है। अगर ख़राब ना होती तो एक्सपायर क्यों कही जाती?